74वें वन महोत्सव को लेकर रामगढ़ वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पतरातु वन क्षेत्र के भुकुंडा पंचायत भवन परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम का किया गया विधिवत आयोजन। बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद और रामगढ़ वन प्रमंडल प्राधिकारी नीतीश कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया विधिवत आयोजन। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के द्वारा स्वागत गीत भी प्रस्तुत की गई। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाने की दरकार है। जिस तरीके से लोग अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, इसी तरीके से लोग पेड़ पौधे का भी देखभाल करें। विधायक ने लोगों को पेड़ पौधे लगाने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेड़ पौधे रहेंगे तब हम लोगों का जीवन संभव है, अन्यथा जलवायु में कई तरह का खतरा मंडराने लगेगी, इसलिए पेड़ पौधों का होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं रामगढ़ वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि 7452 महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। पतरातु वन क्षेत्र में 2,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और आम जनता से अपील की गई है लोग बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लें। भुरकुंडा से गुड्डू पांडे की रिपोर्ट। पेड़ लग रहे हैं उस सभी को हम लोग को देखभाल करना है और एक पेड़ से पुत्र के समान होता है। अभी आने वाले दिनों में कोविड के समय में बहुत बड़ा आपदा आई थी, जिसे देखते हुए हमारे बहुत जगह से जो पेड़ पौधे जो कट रहा है उसी के लेकर हम लोग को शुद्ध हवा और वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण और अभी जो हम लोग को जान सुरक्षित रहा और हम लोग सुरक्षित रहे तो कहीं ना कहीं इस पेड़ पौधा से हम लोग को बहुत अच्छा शुद्ध वातावरण वायु और वैक्सीन हम लोग को हवा का जो वातावरण मिला जिससे हम लोग सुरक्षित रहे। इसलिए सभी माताओं बहनों और थोड़े थोड़े बच्चे लोग को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी पौधा क्षेत्र में लग रहा प्लांटर क्षेत्र में सभी को फर्ज है कि एक एक पौधा जरूर लगाए और उस पेड़ को सींचे। हम लोग रहे या ना रहे उस पेड़ रहेगा और रोजगार रहेगा, इसलिए एक एक पेड़ पौधा जरूर लगाए और जो भी पेड़ पौधा लग रहा है उसे सुरक्षा करें।